नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को गुट निरपेक्ष एनएएम देशों के वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएएम सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष सबसे बड़ा समूह है। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह आंदोलन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अबुल नासर ने शुरू किया था, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड चक्रवर्ती जोन बन चुका है। रांची में 5, 7, 8 व 9 मई को गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं देखा जाए तो बीते दिन लोहरदगा में सुबह तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई। वहीं पलामू जिला में आज वज्रपात की संभावना जताई गई है। झारखंड की 14 जिलों में आंधी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। झारखंड के 9 लाख मजदूरों को मिलेगा काम। खबरों के अनुसार विभिन्न राज्यों से लौट रहे मजदूरों का निबंधन कराया जाएगा। वहीं 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद मजदूरों को मजदूरी भी दिया जाएगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि दूसरे राज्यों से हर दिन मजदूर वापस आ रहे हैं। सरकार सभी मजदूर को रोजगार देने का प्रयास करेगी। श्रम विभाग से निबंधन के बाद उनको काम दिया जाएगा। झारखंड में आज कोई भी नया संक्रमित की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 27 लोग ठीक हो चुके, वहीं 3 की मृत्यु हुई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 44,870 है, जबकि 12,492 लोग ठीक हुए और 1,524 लोगों की मृत्यु हुई। स्कूलों ने फीस माफी मामले में कहा फीस नहीं मिलेगी तो शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे। खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों को 3 माह तक का शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है। इस पर रांची के कई प्राचार्यों ने कहा कि वे सभी सरकार के निर्णय के साथ हैं, लेकिन सरकार यह भी स्पष्ट करे कि प्रबंधन शिक्षक व गैर शैक्षणिक कर्मियों को वेतन कैसे देंगे। इसके अलावा स्कूल को बिजली बिल, नगर निगम टैक्स, बिल्डिंग खर्च आदि सहित अन्य कई खर्चों का भुगतान करना होता है, इसकी भरपाई कहां से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 योजनाओं की शुरुआत की। आशा है प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे रोजगार। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के बीच झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 योजना बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की। इस योजनाओं से ग्रामीण किसान व युवा को काफ़ी लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार का यह भी प्रयास है कि प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिले। गोड़ा जिला में ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। गोड़ा में पहला पॉजिटिव मरीज को क्वारंटाइन कर इलाज किया जा रहा है। गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया है और ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। वही कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सामग्री का वितरण गोड़ा प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। पूरे गांव के बाहर 6 चेकनाका बनाकर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निजी अस्पताल व नर्सिंग होम को नहीं खोलने पर निबंधन रद्द करने का आदेश जारी किया है। इस संकट के बीच झारखंड के अधिकतर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम ने इलाज बंद कर दिया है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर निजी अस्पतालों को हिदायत दी है कि वे इलाज प्रारंभ करें, नहीं तो निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे श्रमिकों और कामगारों के घर लौटने का पूरा खर्च कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश कांग्रेस को यह निर्देश दिया है। उन्होंने यह सवाल भी किया है कि जब रेल मंत्रालय पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपये का योगदान दे सकता है तो श्रमिकों को बिना किराए के यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकता है। मजदूरों के लिए केरल से जसीडीह के लिए चली स्पेशल ट्रेन जो बोकारो से गुजरी। इस दौरान बोकारो रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे के पदाधिकारियों, पुलिस के जवानों ने ट्रेन पर सवार मजदूरों को पानी व फल व खाद्य सामग्री दी। ट्रेन में करीब 1100 मजदूर सवार थे जो कि केरल से झारखंड लौट रहे हैं। वहीं दूसरी ट्रेन जो केरल से तिरुवनंतपुरम से धनबाद तक गई, सभी मजदूरों को वापस झारखंड लाने का कार्य तेजी कर दिया गया है। किसानों को राहत देने की अपील। विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बेमौसम बरसात से किसान परेशान है, इसकी फसलें बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से किसानों के बर्बाद हुए फसल का आंकलन कर मुआवजा देने व कंटेनमेंट जोन में राशन सामग्री चिकित्सीय व्यवस्था कराने की मांग की है।
डीलरों द्वारा हो रहे राशन में गड़बड़ी को देखते हुए अब राज्य में पीडीएस राशन का वितरण के लिए शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। अनाज वितरण व उसकी निगरानी के लिए गठित जन वितरण प्रणाली दुकान स्तरीय सतर्क समिति में स्कूल के प्रधानाध्यापक भी सदस्य होते हैं। सभी उपायुक्त को पत्र जारी किया गया है। झारखंड में लॉकडाउन 3.0 के दौरान निम्न सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। दवा व मेडिकल उपकरण, पशु चिकित्सा अस्पताल, जांच लेबोरेटरी, कृषि मछली पालन व बागवानी, डाक सेवा, मीट मुर्गा व मछली दुकान, कोल्ड स्टोरेज, पोल्ट्री फार्म, हैचरी का काम, दूर संचार सेवा, पर्सनल रेलगाड़ी, किराना व फल सब्जी दुकानें, कोयला खनन, ईंट भट्ठा इत्यादि कार्यों में छूट है। कोडरमा जिला में टीवी के जरिए पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। खबरों के अनुसार झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि लॉकडाउन में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई बिना प्रभावित हुए कैसे जारी रहे, इसके लिए विभाग योजना तैयार कर रहा है। सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, ऐसे में स्थानीय स्तर पर टीवी केबल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा ताकि सभी बच्चों को घर बैठे शिक्षा मिल सके। विशाखापट्टनम में फंसे हैं 700 झारखंडी मजदूर, मुख्यमंत्री से घर वापसी की लगाई गुहार। खबरों के अनुसार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगभग 700 मजदूर फंसे हुए हैं। इसमें कई महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मजदूरों के समक्ष 2 वर्ष का भोजन भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सभी मजदूरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई है। जमशेदपुर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा का एक फेक मैसेज हुआ वायरल। रतन टाटा ने ट्वीट कर किया स्पष्ट। खबरों के अनुसार रतन टाटा का एक फेक मैसेज इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि व्यवसायियों पेशेवरों के लिए रतन टाटा ने लघु संदेश जारी किया है, लेकिन रतन टाटा ने ट्वीट कर संदेश को पूरी तरह से गलत बताया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजातीय समुदाय में नग्न है। इसके बावजूद मंत्रालय राज्यों में जनजातीय मामलों से संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और समुचित रूप से लगातार हालात का जायजा लेने का काम कर रहा है। श्री मुंडा ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यों को 1,000 करोड़ देगा केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, जो इस महीना के प्रथम सप्ताह तक निर्गत कर देगी। कोटा से 956 छात्र पहुंचे धनबाद। खबरों के अनुसार विद्यार्थियों को लेकर कोटा से चली स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। सबके स्टेशन पर ही थर्मल स्कैनिंग की गई और होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। इधर 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोमवार को मजदूरों को लेकर झारखंड पहुंची। सभी मजदूर त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु और नागौर से लाए जा रहे हैं। कोडरमा जिला के सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से भर्ती संदिग्ध रविवार की रात फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने फरार संदिग्ध की खोजबीन शुरू कर दी है। युवक इससे पहले भी एक बार भागने का प्रयास किया था, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने इसे पकड़ लिया था। गुमला जिला में बनेगा मनरेगा जॉब कार्ड। खबरों के अनुसार गुमला जिला के प्रवासी मजदूरों को अन्य जिलों से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में जिला में वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार तथा भोजन की समस्या का सामना करना ना पड़े, इस दिशा में जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मजदूरों का मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा जिला के नगर उटारी प्रखंड में नहीं हो पाया धान का उठाव। खबरों के अनुसार गढ़वा के नगर उटारी उपार्जन केंद्र से धान का उठाव 25% तक भी नहीं हो पाया है। ऐसे में किसान बहुत परेशान है। किसानों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव से जल्द धान उठाव की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें कि इस वर्ष धान का क्रय लक्ष्य 15 मई तक 3,00,000 मैट्रिक टन रखा गया है। रांची में संक्रमण के प्रसार की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करेंगे एनजीओ। खबरों के अनुसार अब झारखंड के एनजीओ भी संक्रमण रोकथाम में सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन के निर्देश पर एनजीओ काम करेंगे। एनजीओ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग जागरूकता कार्यक्रम, हेल्पलाइन, भोजन व्यवस्था, आहार सामग्री वितरण, अफवाहों और गलत धारणाओं के प्रति समुदायों को समझाने का कार्य किया जाएगा। सफाई कर्मियों का नहीं हो पाया 50 लाख का बीमा। खबरों के अनुसार रांची में साफ सफाई कर रहे सफाई कर्मियों का बीमा 40 दिन बाद भी नहीं हो पाया है। सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर गली साफ सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं, फिर भी कर्मचारियों का बीमा नहीं हो पाया है। ऐसे में कर्मचारी आक्रोशित हैं। रांची रिम्स में आज से दोबारा शुरू होगी संक्रमण संदिग्धों का जांच। खबरों के अनुसार रिम्स में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आज मंगलवार से संक्रमण संदिग्धों के सैंपल की जांच दोबारा शुरू हो जाएगी।
गोड्डा जिला में सड़कों पर फेंके जा रहे गंदगी। खबरों के अनुसार गोड्डा जिला के ठाकुर गांगुरी प्रखंड के ग्राम पंचायत रोजी के वार्ड नंबर 5 के सड़कों पर साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल चुका है, जिससे लोगों में बीमारी फैल रही है। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से वार्ड सदस्य पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें।